रमानी रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन लपेटा बनाएंगे, उसके लिए हमें हाफ़ के जी ये चिकन चाहिए। और उसमें सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, और उसमें हम ऐड करेंगे ये 1/4 टीस्पून है काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 1 टीस्पून है नमक। ये सब इसमें चला जाएगा। उसी के साथ हम इसमें 2 टेबल स्पून डालेंगे दही, और सारी चीज़ को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो और भी रख सकते हैं, मैरिनेशन से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। सबसे पहले हाई फ्लेम पे हमने एक पैन को गर्म करना है, और इसमें 2 चम्मच के करीब तेल डालना है। तेल गर्म हो जाए, हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को चटकने देंगे, और ये हम जो चिकन मैरिनेट कर कर रखे थे, मैरिनेट किया हुआ चिकन हम इसमें सारा ऐड कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसे हमें कुक करना है, और हमें इसमें ज़रा भी पानी नहीं ऐड करना है, क्योंकि चिकन का अपना पानी और हम इसमें जो दही ऐड किए हैं वो पानी काफ़ी इसमें से रिलीज होगा, तो ये अपने आप में खुद ही पक जाएगा। इसे हमने हाई फ्लेम पर ढक करके 5 से 7 मिनट के लिए कुक कर लेना है। पाँच से सात मिनट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, हमें इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना है। हाई फ्लेम पे ही हम इसे रखेंगे, और लगातार चलाते हुए इसका पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लेंगे। देखिए, चिकन का पानी बिल्कुल भी है नहीं, बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया है ये अपने आप में। तेल भी अलग हो गया है। इस स्टेज पर हमें गैस के फ्लेम को ऑफ करना है, और हम ये कोयले को हम जला लिए हैं पहले से, इसे बीच में रखेंगे। जलता हुआ कोयला है, इसमें हम थोड़ा सा तेल या फिर घी डालेंगे, और इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक देंगे। उसको हम साइड में रखेंगे, और दूसरे पैन में हम 2 से 3 टेबल स्पून के करीब तेल डालेंगे, और तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो जाए, यहाँ पर हम 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको बारीक बारीक कट करना है, और हम इसे तेल में डालेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे प्याज को। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये जो हम प्याज फ्राई करके रखे हैं इसे, और इसी के साथ हम यहाँ पे हरी मिर्च और ये थोड़ा सा हरा धनिया है, और 6 से 7 काजू है। प्याज के साथ हमें इन सारी चीज़ को मिला के इसका बिल्कुल बारीक सा हमें पेस्ट बनाना है। इसी पैन में हम तेल को गर्म करेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे ये 3 तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, इलायची, लौंग और ये फूल, ये सब डालेंगे, और एक मिनट तक इसे भून लेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ये 2 मीडियम साइज़ का टमाटर है उसका पेस्ट बनाया है, उसे भी हम ऐड करेंगे। इसके साथ इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ये सब इसमें ऐड करेंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम 3 टेबल स्पून भर के इसमें दही ऐड करेंगे, और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, इसके लिए नमक हमें थोड़ा कम ही डालना है। ये देखिए, मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, तेल भी सरफेस पर आ गया है,
अब हम इसमें ऐड करेंगे ये प्याज, हरी मिर्च, काजू और हरे धनिया का जो हम पेस्ट बना कर रखे थे सारा हम इसमें ऐड करेंगे। और हम इसमें ये धुल कर थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे और सब चीज़ को हम हाई फ्लेम पर भूनेंगे। फिर हम इसमें साथ ही ऐड कर देंगे ये चिकन जो हम रेडी करके रखे हैं, ये ऑलरेडी कुक है, इसे हम मसालों के साथ इसमें ऐड कर देंगे। और मतलब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे देखिए अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगा के हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए कुक होने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। 7 मिनट बाद हम चेक करेंगे। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा बन गया है चिकन लपेटा। इस पर हम कसूरी मेथी डालेंगे हाथों से क्रश करके और एक मतलब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन लपेटा बनकर तैयार हुआ है। ये अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब मैं इसे आपको सर्व करके बताती हूँ। ये देखिए हम इसे प्रेजेंट करने के लिए इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे एक हम ऑमलेट बनाएंगे नमक थोड़ा सा और काली मिर्च डालकर, और इसका ये मेन है, इसमें हम ऑमलेट से इसे गार्निश करेंगे। आप जैसे भी चाहें इसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे फोल्ड करके रखने पर भी ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल दिखता है और बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। आप जैसे भी चाहे इसे प्रेजेंट करें, इसे आप रोटी, नान या पराठा, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत पसंद आएगा। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।